अक्टूबर के महीने से एक तंजीम का आगाज हुआ। ये तंजीम है जी, इसको नाम दिया गया एथिक्स फॉर यूथ, मतलब यूथ का ऊपर काम करने वाली एक ऐसी तंजीम जो उनको समझाए कि तुम्हें माशरे में कैसे रहना है, तुम्हें मुसलमानों का रिप्रेजेंट करना है, तो हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो अपने माशरे के अंदर अपने आप को, अपने दीन को, क्योंकि हम मोमिन हैं, क्या है, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें तो पकड़ है ना, सभी को पकड़ है, मर्दों की आवाज है, मुस्कुरा रहे हो, पकड़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया। अल्लाह का बड़ा एहसान। कुरान के अंदर सबसे पहली एक आयत आती है, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहली वही आयत करते हैं, तो वही है इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक। वो क्या है, पढ़ो उस रब के नाम से। सबसे पहला जो वर्ड आया है इकरा, यानी पढ़ो, पढ़ो उस रब के नाम से। तो हमें पढ़ने का हुक्म दिया गया, क्या करने का हुक्म दिया गया, पढ़ने का। लेकिन क्या हमें लगता है कि इस्लाम के जो हमारे मानने वाले जो नौजवान और जो नौजवान बच्चे हैं, क्या हमारे जो बच्चे हैं, क्या वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है, है? पेरेंट्स से मैं पूछ रहा हूँ, क्या बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है, है? कुछ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कुछ घर का मार मार के भेजना पड़ता है, ये रियलिटी है ना, ये सच्चाई है। माओ को इस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और माए परेशान हो जाती है, बेटा उठो जाओ स्कूल का बंद कर, बच्चे कहते नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, क्या बात है भाई, मजा क्यों नहीं आ रही। तो हमें बच्चों के अंदर झांकना है, हमें देखना है आखिर उनके अंदर वो शौक और वो शौक क्यों नहीं है जो शरीयत इस्लामिया ने दिया। एक रात इस पर अंतर कर लेगी, हर पढ़ो सर आपके नाम से, तो पढ़ो हमारी खास टॉप प्रायोरिटी है, हमारा इल्म हासिल करना हमारे लिए फर्ज़ ऐन है, हमें हासिल करना है। लेकिन आज हम अपने माशरे के अंदर अपने बच्चों को देखें तो हमारे बच्चे कतराते हैं पढ़ने से, ऐसा क्यों हो रहा, हमें तलाश करने की जरूरत है। उसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने पेश करूंगा इंशाल्लाह, उससे आपको शायद समझ में आए कि ऐसा क्यों हो। गौर से सारे लोग सुने, कॉफी पीते हैं लेकिन इंशाल्लाह इधर भी दर्जन सभी से पेरेंट्स है। खासतौर पर एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को लेकर एक मेले में जाती है, कहा जाती है मेले में, बच्चों को मजा आती है मेले में, अक्सर बच्चों को मजा आती है ना मेले में, बच्चा आता है मजा आता है। तो माँ जब बच्चे को मेले में लेके जाती है तो बच्चे से कहती है, बेटा बेटा देखो कितने प्यारे प्यारे झूले। बच्चा कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे माँ मुझे घर वापिस जाना है, मुझे मेले में नहीं घूमना है। उसके बाद फिर माँ कहती है पता नहीं क्या बात है, फिर वो आगे आते हैं, फिर कहते बच्चे देखो कितने प्यारे प्यारे कलरफुल बैलून्स। तो बच्चा कहता नहीं नहीं माँ मुझे नहीं देखना, मुझे घर वापिस जाना। तो माँ भी हैरत करती है ऐसा क्या हो रहा। फिर वो आगे बढ़ती है तो बच्चे से कहती देखो कितने प्यारे प्यारे पैंट्स हैं। तो माँ कहती है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं फील कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा। तो माँ ने सडनली उसको देखा कि बच्चे के पैर के जो जूते थे उसका एक लेस खुला हुआ, क्या खुला था, जूते का लेस खुला हुआ। तो माँ सोचती कि हो सकता है इसकी वजह से वो बैठ के बांधते हैं। तो जैसे बांधती है ना तो क्या होता है, जब माँ बच्चे के सतह पे आती है वैसे तो देखती है यार बच्चा तो सबकी मुंडियों तक पहुंच नहीं रहा, ये तो सबकी कमरों तक बैठ गया है, कहाँ कर रही है उसको, तो सिर्फ टांगे टांगे नजर आ रही है। तो जब वो इस सतह पर पहुंचती है ना, यानी बच्चे के लेवल पर जब वो आती है ना, तो उसको एहसास होता है कि बच्चे के अंदर ये इंटरेस्ट पैदा क्यों नहीं हो रहा। और जब वो बच्चे को गोद में उठाती है और गोद में उठाने के बाद जब वो गोद के लेवल पर लाती है तो कहती है बेटा वो देखो झूले, हाँ माँ बहुत प्यारे हैं। फिर कहती है देखो ये बैलून। तो बच्चा कहता है हाँ तो बहुत प्यारे हैं।
फिर उसके बाद कहती है कि वो उसके बाद वो कहती है कि बेटा मजा आ रही है घर चले वापिस, मुझे मजा नहीं आया। कहता है नहीं नहीं मुझे घर नहीं जाना, मुझे तो यही रहना, मुझे बहुत मजा नहीं। तो ये स्टोरी से क्या मिला? समरी ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा झुकाना है और अपने बच्चों तक पहुंचना है कि मेरा बच्चा किस नजरिए का है, मेरे बच्चे की सोच क्या है, मेरे बच्चे की अप्रोच क्या है। उसके बाद उस बच्चे के सहन के हिसाब से हमें उस बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है और तब उसको तालीम में आगे बढ़ना। कुछ समझ पाया? माओ से गुजारिश है बहुत तवज्जो के साथ सुने। हमें क्या करना है? बच्चों के लेवल पर अपने आप को पहुंचकर तब हमें देखना है कि बच्चे की किस क्या हालत, वो किस कंडीशन में, वो किस स्टेज पे। ठीक है, चलना ये करें इंशाल्लाह। मुसलमान बनाया और मुसलमान का मतलब होता है हर एक मैदान में वो आगे होता है। वी ऑल आर लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह। इस बात पे नौजवान सुनो इस बात को और अपने जिंदगियों में उतारो कि वी ऑल आर लीडर्स। हम हर एक फील्ड के अंदर कामयाबी के दर्जे तक पहुंचे। हम वो उम्मती हैं जो हर एक मैदान में टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। वी ऑल आर लीडर्स। हमें तो कयादत करनी थी पूरे उम्मत मुस्लिमान की, हमें तो कयादत करनी थी, हमें तो रहबरी करनी थी पूरी दुनिया की। आज हम अपने घर को नहीं चला सकते, आज हम अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कैसे हम अपने माशरे के अंदर तब्दीली लाएंगे? हम कैसे अपने शहर के अंदर तब्दीली लाएंगे? हम कैसे अपने देश के अंदर तब्दीली लाएंगे? हम कैसे अपनी दुनिया के अंदर तब्दीली लाएंगे? हम कैसे अपने अपने वतन को अपनी जान और अपना माल और अपनी वक्त देंगे? अगर आज हम ना खड़े हुए तो हमारी औलाद नहीं खड़ी हो सकती, दिख कर नहीं। आज अक्सर माँ बाप को यह कंप्लेन होती है कि मेरा बेटा सोता रहता है, मेरे बेटे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे बेटे को काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कैसे करूं? मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बच्चा कुछ करता नहीं। लेकिन मैंने बचपन में सुना था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ, एक विधि होती है दैट कॉल अनुकरण विधि। अनुकरण विधि एक ऐसी विधि होती है, इसका मतलब है जो बड़े करते हैं बच्चे वो देख देख कर उसको अपनी जिंदगियों में इंप्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो जो माँ बाप करेंगे वो बच्चा करेगा। माँ नमाज नहीं पढ़ेगी, बेटी नमाज नहीं पढ़ेगी, बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा। और अल्लाह की कसम, जब तक तुम नमाज तक नहीं पहुंच सकते, तुम दुनिया में क्या, तुम आखिरत में क्या, तुम अपने घर में कामयाब नहीं, तुम अपने कारोबार में कामयाब नहीं, तुम माशरे में किसी लायक नहीं। झूठी शान, झूठी इज्जत, सब कुछ झूठी। जो अल्लाह का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। अरे हमें तो सबसे पहले अपनी जिंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल की तमाम तरीकों को उतारना है और वक्र के साथ। ये सबसे कम तरीका शिकार नहीं होता, जो इस जमाने के अंदर एक लाचार टूटी लकड़ी अपता ही जो नौजवानों की नस्लें पैदा हो रही है और पैदा होने के बाद जो सही साले भी पैदा हो रहे हैं तो भी वो अपाही है, कमजोर है, टूटी है, लकड़ी है, कानी है, अंधी है, बहरी है। क्यों? क्योंकि बच्चे से जब कहा जाता है चचा आए हैं सलाम करो, बच्चे अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है उसके अंदर ये सलाहियत क्यों नहीं कि वो वालिदैन के कहने पहले कोई घर में आए और वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के तरीके पे उन बच्चों पे कि जो बच्चे थे वो तो बच्चे थे जो जंगों के मैदान में कूद जाया करते थे। अजान हो रही है, कल थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा अभी आप लोग